नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक फायर सेफ्टी क्लासेस। देखिए, आप लाइक करना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक एफएससी जॉब सेक्शन फायर सेफ्टी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हो, मैं हूं रणवीर सिंह और मैं एक इन्फॉर्मेशन के साथ फिर आ गया हूं आपके सामने। देखिए, बात करेंगे एक रिपोर्ट पर, बात करेंगे जो कि जिस पर हम पूरा एनालिसिस करेंगे, जो बेरोजगारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बेरोजगारों से जुड़ी हुई रिपोर्ट है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहां पर 19 लाख बेरोजगारों के 40 करोड़ रुपए सरकारी खाते में अटके हुए हैं, भर्तियां रद्द हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनका जो आवेदन शुल्क था वो लौटाया नहीं गया है सरकार की तरफ से। मामले की पूरी बात करते हैं। देखिए, 8 साल पहले जमा हुआ था ये शुल्क, और मैं आपको बता दूं, देखिए यहां पर 2013 में तकनीकी कर्मचारियों के 1294 पदों पर भर्ती निकली थी, भर्ती कैंसिल हो गई, लेकिन अभी तक कोई शुल्क लौटाया नहीं गया। उसके बाद देखिए, यहां पर 2018 में फिर से कांग्रेस सरकार आ गई, भाजपा सरकार आ गई, इस तरह से सरकार के बदलने के खेल में अभ्यर्थियों का पैसा फंस गया, उनका भविष्य अधर में झूल गया। तो देखिए, आगे चलते हैं। सरकार ने यहां पर दावा किया कि जी हमने यहां पर आदेश जारी कर दिया है लौटाने के लिए, 8 जुलाई 2019 को यहां पर आदेश जारी किया गया, लेकिन अभी तक किसी भी बेरोजगार भाई के खाते में आवेदन शुल्क का पैसा नहीं आया, जो भर्तियां रद्द हुई थी। देखिए, यहां पर जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की भी मांग की जा रही है। मैं आपको बता दूं, 28 सालों में केवल 2013 में ही तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई थी, लेकिन वो भी पूरी नहीं हो सकी। देखिए, 2018 में भर्ती में फार्मा सिस्टम को बड़ी आस थी, लेकिन भर्ती रद्द होने से 4105 पदों पर वो प्रक्रिया भी रद्द हो गई। और देखिए, यहां पर उस प्रक्रिया को जल्दी शुरू करने के लिए भी लोगों ने यहां पर आवाज उठाई है। मैं आपको बता दूं, एक तरफ तो ये कहानी जो आपको दिख रही है, दूसरी तरफ हम बात करेंगे, यहां पर तो देखिए 40 करोड़ बेरोजगारों के अटके पड़े हैं आपके सामने है। दूसरी तरफ देखिए, यहां पर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री कहते हैं जो कहा सो किया। भाई, कब कहा और कब किया? राजस्थान की कांग्रेस सरकार 200 मेगावी छात्रों को देश विदेश में पढ़ने के लिए 100 करोड़ की स्कॉलरशिप देगी। बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, तरक्की की तरफ तेजी से बढ़ता राजस्थान, बहुत ही अच्छी बात है। यहां पर देखिए, 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं 200 मेगावी छात्रों पर जो विदेश पढ़ने जाएंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि 40 करोड़ पिछले 8 साल से अभ्यर्थियों के पैसे वापस क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? यहां पर देखिए, क्वेश्चन मार्क सरकार के ऊपर लगाया जा रहा है। यहां पर देखिए, अभ्यर्थी बड़े रोष में हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारा पैसा हमें समय से वापस होना चाहिए, लेकिन अभी तक वापस नहीं हुआ है। ये पूरी पड़ताल मैं आपको बता दूं, ये पूरी रिपोर्ट, इस पूरी रिपोर्ट पर सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबने आवाज उठाई, उसके बावजूद भी सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है, क्योंकि सरकार अभ्यर्थियों का पैसा देना नहीं चाहती है, या कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है, या कहीं जो प्रशासनिक आला अधिकारी कर्मचारी हैं वो इस सिस्टम को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों, जागो युवा जागो आंदोलन के तहत आप जागते रहिए, आवाज उठाते रहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ट्विटर पर ये सारी खबरें ट्रेंड करनी चाहिए। ये खबर भी ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है, उसके बावजूद ही सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रही है, यूट्यूब पर भी ट्रेंड कर रही है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो हमारे अभ्यर्थियों का 40 करोड़ सरकारी खाते में फंसा पड़ा है वो लौटना चाहिए, उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। फिर आता हूं ऐसी ही एक इन्फॉर्मेशन के साथ, और अपनी आवाज बुलंद करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।